वेलकम बैक दोस्तों, मैं अगेन आपके सामने हाजिर हूँ एक नया विषय लेके। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा इनकम टैक्स का सेक्शन एटीई को। एटीई को मैं इस बजट से लिंक करके आपसे डिस्कस करूंगा। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जब हम अपने बच्चों के हायर एजुकेशन के लिए बैंक से लोन लेते हैं तो उसकी जब हम रिपेमेंट करते हैं तो उस ईएमआई के अंदर दो पोर्शन इंक्लूड होते हैं दोस्तों, जिसको एक हम बोलते हैं प्रिंसिपल और एक होता है इंटरेस्ट। तो सेक्शन 80E के अंदर इस इंटरेस्ट का ही हमें बेनिफिट मिलता है। तो आज का हमारा यही विषय है, आइए शुरू करते हैं अपना विषय। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली सारी नोटिफिकेशंस मिल सके। सेक्शन 80E में इंटरेस्ट की डिडक्शन लेने के लिए 5 बेसिक कंडीशंस हैं। सबसे पहली बात होती है कि ये डिडक्शन सिर्फ एक इंडिविजुअल को ही अवेलेबल होती है और किसी को अवेलेबल नहीं होती, मीन्स किसी कंपनी LLP वगैरह को अवेलेबल नहीं होती। और अगर कोई इंडिविजुअल HUF का मेंबर है तो उसको भी ये डिडक्शन अवेलेबल होगी। दूसरी बात इसमें आती है कि ये लोन सिर्फ बैंक और किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया हुआ हो तभी हमें इसकी डिडक्शन मिलती है, अदरवाइज डिडक्शन नहीं मिलती। नेक्स्ट कंडीशन आती है कि ये सिर्फ हायर एजुकेशन के लिए लिया गया हो लोन। अब हम आगे डिस्कस करेंगे कि हायर एजुकेशन होता क्या है। ये हमें सिर्फ रिलेटिव के लिए डिडक्शन मिलती है और किसी के लिए डिडक्शन नहीं मिलती। आगे आने वाले स्लाइड के अंदर मैं ये भी डिस्कस करूंगा कि रिलेटिव के अंदर कौन कौन कवर होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जब हम इस लोन की रीपेमेंट करेंगे तो ये हमारी अपनी मनी से होनी चाहिए जो कि हमने अर्न की हुई। हायर एजुकेशन है क्या? हायर एजुकेशन होता है 12th क्लास के बाद जो भी हम कोर्सेज करते हैं उनको सबको हम हायर एजुकेशन के अंदर दोस्तों कवर करते हैं, बड़े ध्यान से सुनना। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है कि 12th क्लास हमें किसी ऐसे स्कूल से, कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से पास आउट होनी चाहिए जो कि किसी स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी द्वारा रिकॉग्नाइज्ड हो। किसी नॉन रिकॉग्नाइज्ड स्कूल या कॉलेज के बेनिफिट हमें नहीं मिलता। मींस 12th के बाद अगर हम कोई बीटेक करें, एमटेक करें, एमबीए करें, बीबीए, बीकॉम वगैरह कुछ भी करें, वो सब हायर एजुकेशन के अंदर कवर होता है। इसमें कुछ क्लैरिफिकेशंस हैं, कई बार लोग मुझसे पूछते रहते हैं और अपनी क्लैरिटी लेते हैं, तो मैं उन क्लैरिटीज को आपके सामने रखता हूं कि हायर एजुकेशन हम किसी गवर्नमेंट कॉलेज से भी ले सकते हैं और किसी प्राइवेट कॉलेज से भी ले सकते हैं। कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि वो सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज से ही होना चाहिए और वो गवर्नमेंट कॉलेज इंडिया में हो या इंडियन गवर्नमेंट द्वारा रिकॉग्नाइज्ड हो। इंडिया से बाहर भी ले सकते हैं उसे हम और इंडिया के अंदर भी ले सकते हैं दोस्तों। इट कैन बी फ्रॉम इंडिया और आउट ऑफ इंडिया ऑल्सो। आज से 4 साल पहले एक नोटिफिकेशन भी आ गई थी कि जो हायर एजुकेशन है उसे हम रेगुलर भी ले सकते हैं और वोकेशनल भी कर सकते हैं। कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि हम उसको रेगुलर नहीं कर सकते। रिलेटिव के अंदर कवर कौन होता है? रिलेटिव के अंदर बहुत सारे लोग कवर होते हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए सभी लोग उस कैटेगरी के अंदर नहीं आते, कुछ लोग आते हैं। एक तो वो असेसी खुद जो अपनी ITR के अंदर इस डिडक्शन को क्लेम करेगा, और हस्बैंड या वाइफ यानी स्पाउस, उसके बच्चे और कोई ऐसा बच्चा जिसका वह लीगल गार्जियन हो, यानी जो असेसी इस सेक्शन के अंदर बेनिफिट क्लेम करेगा, डिडक्शन क्लेम करेगा, वो उस लीगल बच्चे का गार्जियन हो। और एक यहां क्लैरिफिकेशन मैं आपको देता हूं कि इनकम टैक्स का सेक्शन 2 सबसेक्शन 15 कैपिटल बी के अंदर में लिखा हुआ है कि चाइल्ड के अंदर स्टेप चाइल्ड और अडॉप्टेड चाइल्ड, ये दोनों लोग कवर होते हैं। दोस्तों बीवी को एक्सेप्ट किया है तो बच्चे को तो ऑब्वियसली एक्सेप्ट करना ही करना पड़ेगा। सेक्शन 80E के अंदर हमें कितनी अमाउंट की डिडक्शन मिलेगी? इसके अंदर दोस्तों कोई लिमिट नहीं है डिडक्शन की। जितनी भी हम एक साल के अंदर पेमेंट करेंगे उतनी अमाउंट की हमें डिडक्शन मिल जाएगी। लेकिन ये डिडक्शन जिस साल से हम पेमेंट करना शुरू करेंगे वहां से अगले 8 साल तक कंटिन्यूस मिलेगी। अगर मान लीजिए कोई लोन हमने 8 साल की जगह 4 साल के अंदर रिपेमेंट कर दिया है तो हमें मैक्सिमम डिडक्शन 4 साल की मिलेगी, मीन्स अंटिल द इंटरेस्ट पेड इन फुल विच एवर इज अर्लियर। यानी कि या तो मैक्सिमम 8 साल, अगर 8 साल से पहले हमने लोन की रिपेमेंट कर दी है तो वो पहले डिडक्शन मिलनी बंद हो जाएगी। या ये इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई लोन हमने 2012 में लिया और हमने रिपेमेंट उसकी शुरू की 2015 के अंदर, 2015 से अगले 8 साल तक हमें वो डिडक्शन अवेलेबल होगी। लोन को तो चाहे हम बाद में भी रिपे करते रहे लेकिन डिडक्शन का टाइम है वो मैक्सिमम 8 साल तक का है, तो 2023 तक हमें वो डिडक्शन मिलती रहेगी। लेकिन अगर कोई लोन हमने मान लीजिए 2015 में शुरू किया और 2018 में फुल पेमेंट कर दिया तो 2018 के बाद हमें कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। कुछ डाउट होते हैं लोगों के मन में, आज मैं उन डाउट्स को भी क्लियर करता हूं, क्योंकि मैं जब वीडियोस बनाता हूं तो लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं, उन क्वेश्चन के अंदर काफी सारे डाउट लोगों के होते हैं, आज मैं उनको क्लियर करूंगा आपके सामने।
अभी बजट 2023 आया है, बजट 2023 के अंदर टीसीएस के कुछ प्रोविजन चेंज हुए हैं, तो मैं आपको यहां क्लेरिफाई कर देता हूं कि टीसीएस के प्रोविजन अलग हैं और इस सेक्शन की डिडक्शन अलग है। टीसीएस का जो भी प्रोविजन है वो हमें सेक्शन 2061G के अंदर कवर होगा और उसका और सेक्शन 80E का कोई लिंक आपस में नहीं है। टीसीएस के प्रोविजन अप्लाई होते हैं जब हम इंडिया से बाहर एजुकेशन के लिए या किसी और पर्पज से पैसा भेजते हैं, तो वहां पे टीसीएस के प्रोविजन एप्लीकेबल होते हैं, लेकिन एटीई के प्रोविजन सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट के लिए एप्लीकेबल होते हैं। लोन हमने इंडिया से लिया है तो उसका बेनिफिट भी हमें इंडिया में ही मिलेगा, कोई और थोड़ी ले जाएगा हमारे बेनिफिट को। जितनी भी वो पेमेंट है यानी लोन की रीपेमेंट है वो हमें अपने बैंक अकाउंट से करनी है, हमें अपनी मनी से करनी है। ऐसा हो सकता है कि हमने अपनी मनी लोन की रिपेमेंट करने से पहले किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट की हुई हो, एफडी के अंदर रखी हुई हो, या किसी शेयर में इन्वेस्ट की हुई हो, और जब लोन की रिपेमेंट का टाइम आएगा तो हम वहां से ब्रेक करके उसको बैंक को रिपे कर सकते हैं। डिडक्शन हमें मिलेगी वो सिर्फ इंटरेस्ट पोर्शन की मिलेगी। जैसे दोस्तों मैंने आपको बताया कि जब हम ईएमआई की पेमेंट करते हैं तो उस ईएमआई के अंदर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दो चीजें इंक्लूड होती हैं। प्रिंसिपल का बेनिफिट सेक्शन 80C में मिलता है और इंटरेस्ट का बेनिफिट सेक्शन 80E के अंदर मिलता है। बड़े ध्यान से सुनना, 80E के अंदर ओनली इंटरेस्ट पोर्शन का हमें बेनिफिट मिलता है और कोई बेनिफिट नहीं मिलता। कहीं ऐसा ना हो कि हम सारी मलाई खुद ही खा जाएं और किसी को कुछ ना मिले। एक बहुत जरूरी बात यहाँ पे आती है दोस्तों कि जो लोन है वो अगर हमने किसी अपने फ्रेंड से लिया है, रिलेटिव से लिया है, या किसी प्राइवेट फाइनेंसर से लिया है, तो उस केस में हमें इस इंटरेस्ट की छूट नहीं मिलेगी, बिल्कुल भी छूट नहीं मिलेगी। लॉ के अंदर स्पेसिफिकली मेंशन की गई है ये बात। अगली बात मैं लेता हूं कि जो हम ट्यूशन फीस पेड करते हैं आउट ऑफ इंडिया, आप सभी को पता है 80C के अंदर बच्चों की ट्यूशन फीस का बेनिफिट मिलता है, लेकिन अगर कोई फीस हमने भारत से बाहर पे की है तो उसका बेनिफिट हमें सेक्शन 80C के अंदर नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हमने बच्चे की एजुकेशन के लिए इंडिया में ही फीस पे की है तो हम 80C का बेनिफिट भी ले सकते हैं और 80E का बेनिफिट एक ही टाइम पे ले सकते हैं। दोस्तों जग जाहिर है कि न्यू टैक्स रिजीम के अंदर गवर्नमेंट ने सारी डिडक्शन खत्म कर दी थी। अगर कोई एसएससी न्यू टैक्स रिजीम के अंदर अपने रिटर्न को फाइल करता है तो उसे ना एटीसी की कोई बेनिफिट मिलना है, ना कोई एटीई का मिलना है, और ना कुछ और बेनिफिट मिलना है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो इनकम टैक्स वाला ने कंपाइल किया था, और आज के वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर उसको लिखें, मैं श्योरली उसका रिप्लाई करूंगा। और अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लास्ट में बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।